हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी पढ़ रहे हैं। पिछली एक्सरसाइज में मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद इसी बेस पर आप जब हायर क्लास में जाते हैं तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज हम इस डिफरेंशिएशन में करेंगे, साथ ही साथ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो यूज होगा वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकेंड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर भी गिवेन होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या? नाम से जैसे क्लियर हो पा रहा है कि किसी भी फंक्शन का जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वह आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब अगर मान लीजिए हमने किसी फंक्शन को ले लिए, जैसे वाई इज इक्वल टू मैंने ले लिया कॉस एक्स ले लिया, ठीक है। अगर इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करें तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन एक्स। दूसरी बार जब डिफरेंशिएशन करना होगा तो इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड हियर माइनस कॉमन ले लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। जब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसको लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू विच इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो यह हुआ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमने फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट कर दिए, ओके। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते करते हैं ऐसे करते हैं। देखिए, या तो इसको डी टू वाई बाय डी एक्स टू से रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम्स इसको देते हैं वाई डैश से भी रिप्रेजेंट किया करते हैं, या तो इसको लिख देते हैं वाई टू लिख दिया करते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह से नहीं लिखकर वाई डैश लिखा गया, तो वाई डैश का मतलब क्या हुआ, वो डबल डेरिवेटिव दिया है, या वाई टू लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, डबल डेरिवेटिव दिया है, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए मैंने इसके अलावा कुछ जैसे पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया, मान लीजिए पैरामेट्रिक फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल टू साइन टी है और x इज इक्वल टू कॉस टी है। अगर हमें पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या होगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जरा इसमें देखिए जो आप लोग कॉमनली मिस्टेक किया करते हैं क्या है, ये टी के टर्म में है, पैरामेट्रिक फंक्शन है तो इसको हम टी के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन टी आप कर लेंगे, साइन टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएंगे, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर एक्स की बात कर लें तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना होगा, डी बाई डी टी आप कॉस टी कर लीजिए विच इज इक्वल टू माइनस साइन टी आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी के लिए। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मैंने क्या बताया था, डी वाई बाई डी टी एंड डी एक्स बाई डी टी यूज करेंगे। तो डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू आ गई वो कॉस टी हो गया माइनस कितना हो गया साइन टी, या इसको लिखना चाहें तो माइनस कॉट टी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करना है किसका, इसका, ठीक है ना। तो अगर हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करना तो मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, या हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉट टी, ओके। तो ये आ जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट टी एंड कॉट टी का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर टी, बट ये टी है तो टी के टर्म में टी एक्स के टर्म में टी का डिफरेंशिएशन डी टी बाई डी एक्स बच जाएगा। तो ऐसे में यह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर टी एंड डी टी बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए डी एक्स अपॉन डी टी आपका माइनस साइन टी है तो डी टी बाय डी एक्स उसका रिवर्स कर दीजिए, तो ये कितना होगा डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा वन अपॉन माइनस साइन टी, वन अपॉन माइनस साइन टी। देखिए डी टी बाई डी एक्स है, डी एक्स अपॉन डी टी माइनस साइन टी था तो डी टी बाई डी एक्स वन अपॉन माइनस साइन टी हो गया। अब इसको और कैलकुलेट करना चाहे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन टी को लिख दीजिए कोसेक टी, तो ये कोसेक टी और ये कोसेक स्क्वायर टी माइनस कोसेक स्क्वायर टी इंटू कोसेक टी इज इक्वल टू आ जाएगा कोसेक क्यूब टी माइनस कोसेक क्यूब टी आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस कोसेक क्यूब टी। तो इसका मतलब हमें जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। आप लोग करते क्या है, जो कॉमनली मिस्टेक हुआ करता है
वह यह हुआ करता है। देखिए, अगर आपको डी टू आई बाई डी एक्स टू निकालना होता तो आप लोग क्या करते हैं कि डी टू आई अपॉन डी टी टू और डी टू डी एक्स टी को आप दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब आप इसको भी दो बार डिफ्रेंशिएट कर दिए, किसको, इसको दो बार कर दिए और इसको भी दो बार कर देते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी टू आई बाई डी एक्स टू मिल जाएगा, जो कि गलत होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, डी टू आई बाई डी एक्स टू पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आप उसको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ताकि आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, और डी वाई बाई डी एक्स जो पार्ट होगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पी से डिफ्रेंशिएट करना होता है, तब जाकर आपको डी टू आई बाई डी एक्स टू मिलेगा, न कि डी टू आई अपॉन डी डी टी टू को डी टू एक्स अपॉन डी टी टू से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग मेथड होता है जो कि कॉमन आप लोग मिस्टेक किया करते हैं। ठीक है, तो यही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसमें दो बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। हमारे पास कोई फंक्शन दिया जाएगा, उससे हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बताना होता है। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको इक्वेशंस को प्रूव करना पड़ता है कि डी टू आई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो है, तो आप इसको सेटिस्फाई कीजिए कि वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या इसका एक पार्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर किसी फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी पड़ती है, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन को बाद में आप सेकेंड बुक में सॉल्व भी किया करते हैं फंक्शन लाने के लिए। तो चलिए एक्सरसाइज पर चलते हैं, आप एक बार सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख लिए हैं, अब एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको सेकेंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया हूं, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है, जिसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, वो क्या आएगा, तो चलिए मान लेते हैं इसको हम लेट लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एन प्लस टू, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, x का x के टर्म में डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म कितना होगा, 0, तो डिफरेंशिएशन जो डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू से, तो यहां पर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो 2 इंटू एक्स है, तो डिफ्रेंशिएशन आप 2 कॉमन ले लेंगे, x का x के टर्म में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, सो डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 2 आ गया। आप चाहें तो y मान का डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, या y मान लीजिए तो आपको डी टू आई बाई डी एक्स टू लिखने में थोड़ा आसानी हो जाती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन मैं लेकर चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट देखिए, जैसे ये है आपका, तो मैं इसको y अगर न मानू तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 20 है। ठीक है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना, दो बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, y मानने पर थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसको y ही मान कर देता हूं, क्योंकि आपको यह भी दिखाना होगा कि आपने डबल डेरिवेटिव तो फाइंड कर लिए, लेकिन अगर आपसे पूछे डी टू आई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या होगी तो आप वो निकाल सकते हैं। तो ऐसे में इसको y मान लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन सारा इसी से करना है। ठीक है, तो पहला डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर 20, x टू दी पावर 20 हो जाएगा 20x टू दी पावर 19, पता ही है एक कम हो जाता है पावर में, तो यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करना हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 20x टू दी पावर 19, तो डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो यह आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 20 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर 19, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर 19 तो 19x टू दी पावर 18 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यह आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू 380x टू दी पावर 18 आ गया। अगर मान लीजिए y नहीं मानकर चलते हैं तो यही लाइन आपको लिखनी होगी, ये वाली लाइन इतना आ जाएगा, दोबारा फिर से डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ये आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, आंसर आ जाएंगे। तो यही बनतर होता है, बाकी वाई मानिए चाहे न मानिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने y इज इक्वल टू मानकर चल रहा हूँ। देखिए फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया है,
एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉस एक्स, प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट और सेकेंड मानते हैं। तो इसको लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉन्स्टेंट हो गया तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं या कॉन्स्टेंट मान लेते हैं तो एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां हो जाएगा एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो यह आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस, यहां पर देखिए यहां पर इसका और इसका सेपरेट अलग अलग कर देते हैं डिफरेंशिएशन, तो यह हो गया माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉमन देन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स ले लीजिए, फिर अगर साइन एक्स लेते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स करना पड़ेगा और प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा टोटल, यहां मैं लिख देता हूं, यह आ गया माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस साइन एक्स। सॉल्व कर लें तो ये देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा एंड माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये दो बार हो जाएंगे साइन एक्स, तो ये टोटल जो फंक्शन होगा वो माइनस एक्स कॉस एक्स एंड माइनस टू साइन एक्स आ जाएगा। ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कॉस एक्स का मतलब डबल डेरिवेटिव इस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, फिफ्थ सिक्स मैंने लिखा हूं, क्वेश्चन नंबर फोर है लॉग एक्स का दो बार डिफरेंशिएशन फाइंड करना, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू फाइंड करना है। तो चलिए हम इसको लेकर चलते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, वन अपॉन एक्स, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स, इसको लिख दीजिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स को लिख दीजिए एक्स के पावर माइनस वन, ताकि डिफरेंशिएट हो सके। तो एक्स के पावर माइनस वन में देखिए माइनस वन एक्स के पावर माइनस वन एंड माइनस वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस वन एंड एक्स के पावर माइनस टू, जिसको आप लिख सकते हैं माइनस को हटा दीजिए, माइनस वन को वन को तो हटा सकते हैं, तो ये माइनस वन अपॉन एक्स टू दी पावर टू आ जाएगा, ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू। यहां वन को हटा भी सकते थे, ठीक है ना। चलिए ये तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया लॉग एक्स का। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब एंड लॉग एक्स है, जहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फिर से लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड लॉग एक्स, एक्स क्यूब लॉग एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब एंड लॉग एक्स, जिसमें हम इसको एक को फर्स्ट और दूसरे को सेकेंड मान लें। तो जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो एक को कांस्टेंट सपोज करना पड़ता है, तो दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर एक बार लॉग एक्स को कॉमन या कांस्टेंट मान लेते हैं तो दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं एक्स क्यूब को, यही ना प्रोसेस है। तो चलिए यहां पर एक्स क्यूब हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है, प्लस लॉग एक्स एंड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा,
एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर एन के बेस स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कैंसिल कर लिया जाए तो यहां मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स। मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, बाद में लॉग एक्स को लिख दिया। अब इसका दूसरी बार डेरिवेटिव फाइंड करना, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डायरेक्ट लिखिए इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, डायरेक्ट कर लें, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, टू एक्स हो जाएगा, और प्लस थ्री कॉमन लेने के बाद हम यहां पर प्रोडक्ट टू लगा लेंगे एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स के लिए, एक्स स्क्वायर एंड लॉग एक्स के लिए। तो चलिए इसको लिखते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, यह आ गया आपका टू एक्स प्लस थ्री, एंड डिफ्रेंसिएशन आप एक्स स्क्वायर लॉग एक्स में एक को कॉन्स्टेंट लेते हैं तो डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, लॉग एक्स का, और फिर अगर लॉग एक्स कॉन्स्टेंट सपोज कर लेते हैं तो डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर को, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग एक्स इज वन अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस प्लस लॉग एक्स एंड एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x आ गया। तो ये टोटल जो डिफरेंशिएशन आ गया, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू जो आएगा वो आ गया 2x प्लस, ये देखिए 3 है, इससे इसको कैंसिल कर लें तो बच गया है x प्लस, इसको सीक्वेंस में पहले हमने x को लिख दें बाद में log x को, तो 2x इंटू log x हो गया यहाँ पर। अब अगर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का तो ये आ जाएगा 3x और प्लस 3 इंटू 2 इज 6x log x, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x प्लस 6x log x, विच इज द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू आ गया 5x प्लस 6x log x, ठीक है ना। चलिए मैं इस क्वेश्चन को रब करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को और 6 क्वेश्चन करते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिए होंगे, log x का दो बार डिफ्रेंशिएट करना था, बहुत सिंपल है, सेकंड डेरिवेटिव या चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे कर रहे हैं तो सिंपली क्वेश्चन है, अभी तक डेरिवेटिव तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, तो ये इजी क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के, e पावर x एंड साइन 5x का डेरिवेटिव करना हमें। तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 6 में, हम फिर से मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड साइन 5x। ओके, तो यहां पर प्रोडक्ट लग जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड मान कर चलेंगे, तो यहां लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स एंड साइन 5x, जहां पर फर्स्ट और सेकेंड मानकर डेरिवेटिव करेंगे। तो ये लिखेंगे ई टू दी पावर x कॉमन कांस्टेंट हो गया या कॉमन हो गया, तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए साइन 5x का, और अगर आप साइन 5x लिखते हैं तो डिफ्रेंसिएशन आप ई टू दी पावर x का करेंगे, तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन का हो जाता है cos 5x, cos 5x, लेकिन 5x का डेरिवेटिव बाकी है तो 5x का डेरिवेटिव एक लाइन में लिख देते हैं डायरेक्टली, 5 हो जाएगा, है ना, पहले साइन का होगा बाद में 5x का, 5 हो जाएगा प्लस साइन 5x एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x का x के टर्म में e टू दी पावर x हुआ करता है। तो ये जो टोटल आ गया वो आ गया 5 e टू दी पावर x cos 5x एंड प्लस e टू दी पावर x sin 5x व्हिच इज द वैल्यू ऑफ dy by dx हो गया। अब इसका हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना, थोड़ा बड़ा फंक्शन हो जाएगा, दो का हमने किए, दो था तो हमें चार पार्ट में मिले, अब चार करेंगे तो हमें आठ में मिल जाएंगे, तो मैं इसको रब कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, आपने नोट भी कर लिए होंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था, तो चलिए हम इसका यहाँ पर रब कर नोट कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, डेरिवेटिव आपके अच्छे क्वेश्चन होते हैं, 4+4 8 मार्क्स के आते थे, अभी तो एक क्वेश्चन आने लगे हैं ऑब्जेक्टिव में, दो नंबर में इसको ब्रेक कर कर लाने लगा, 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में भी आता है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी एक बार सॉल्व कराएंगे। तो चलिए एक बार डीवाई बाई डी एक्स को सॉल्व करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो हम इसको लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी बाई dx ऑफ
5 e to the power x and cos 5x plus e to the power x and sin 5x। यहां पर कांस्टेंट 5 आप कॉमन ले लीजिए, तो डेरिवेटिव इन दोनों फंक्शन का कीजिए, मतलब d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x एंड cos 5x, है ना, cos 5x प्लस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन मींस d बाय डी एक्स ऑफ e टू द पावर x एंड sin 5x। यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, और यहां पर भी, तो मतलब एक को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू फाइव ई टू द पावर एक्स, अगर कांस्टेंट सपोज करते हैं तो डिफरेंशिएशन आप करेंगे फाइव एक्स का, और कॉस फाइव एक्स को अगर आप कांस्टेंट सपोज करते हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे ई के पावर एक्स का, प्लस यहां पर भी बड़ा होगा क्वेश्चन इसी तरह से, e टू दी पावर x कांस्टेंट मान लीजिए तो डिफरेंशिएशन कीजिए साइन 5x का, और अगर आप साइन 5x को कांस्टेंट सपोज करते हैं तो डिफरेंशिएशन करते हैं e के पावर x के लिए। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, 5 e टू दी पावर x, यहां पर फंक्शन टू फंक्शन होगा तो cos का डेरिवेटिव कर लीजिए, बाद में 5 का कर लीजिए, तो cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन 5x, cos का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस साइन 5x हो गया, और 5x का डेरिवेटिव कितना होगा 5 हो जाएगा, प्लस प्लस cos 5x एंड डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x, प्लस e टू द पावर x डेरिवेटिव ऑफ sin 5x, sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 5x एंड 5x का डेरिवेटिव 5 हो जाएगा, प्लस प्लस बच जाएगा साइन 5x एंड e टू द पावर x, ओके साइन 5x एंड e टू द पावर x, अब 5 का मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, देखिए यह है 5 माइनस, तो माइनस 5 इंटू 5 इज माइनस 25 e टू द पावर x एंड साइन 5x, 5 का मल्टीप्लाई इससे कर लीजिए तो यह आ जाएगा 5 e टू द पावर x एंड cos 5, 5 इन दोनों से हो गया, अब बाकी बचा हमारे पास 5, यहाँ पर देखिए 5 e टू द पावर x एंड cos 5x और प्लस e टू द पावर x एंड sin 5x, यहां अगर देखा जाए तो 25 e टू द पावर x sin 5x और 1 e टू द पावर x sin 5x दोनों सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो यह आ जाएगा माइनस 24 e टू द पावर x sin 5x, 5 e to the power 5x and plus 5 to the power 5x दोनों ऐड हो जाएं तो ये आ जाएगा plus 10 e to the power x, sorry cos 5x था तो e to the power x cos 5x हो गया, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप e to the power x sin 5x का, कुछ नहीं करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना, एक बार जितना आएगा उसके बाद दूसरी बार उसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ठीक है ना, तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे 6 था वैसे ही है, e टू द पावर 6x एंड cos 3x से दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब कुल मिलाकर 8 टर्म आएगा, बाद में सबट्रैक्ट और ऐड कर लेंगे तो हो सकता है कम हो जाए, बट 8 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना, तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, सबसे पहले इसको हमने y मान लिए e टू द पावर 6x एंड cos 3x का, तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy by dx इज इक्वल टू, हम यहां पर प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, तो e टू द पावर 6x then differentiation of cos 3x and अगर cos 3x common लेते हैं तो differentiation of e to the power 6x हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा e to the power 6x differentiation of cos 3x is equal to minus sin 3x हो जाएगा, और 3x का कितना होगा 3 हो जाएगा, plus cos 3x and e to the power 6x का differentiation 6x इंटू 6x का फिर से करेंगे तो 6 हो जाएगा, पावर टू पावर है ना, मतलब फंक्शन टू फंक्शन है, तो पहले e का हो गया e के पावर x मानकर और बाद में 6x का 6 आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस 3 e टू द पावर 6x एंड साइन 3x प्लस 6 e टू द पावर 6x एंड cos 3x विच इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx हो जाएगी। अब हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो हम लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस 3 ई टू द पावर 6x साइन 3x
एंड प्लस सेपरेट कर देते हैं इसको, ठीक है ना। डी बाय डी एक्स सिक्स ई टू दी पावर सिक्स एक्स एंड कॉस थ्री एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस थ्री कॉमन ले लीजिए, डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, ई टू दी पावर सिक्स एक्स एंड साइन थ्री एक्स का प्लस सिक्स कॉमन ले लीजिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई टू दी पावर सिक्स एक्स एंड कॉस थ्री एक्स का, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड है ना, वैसे ही इसको भी फर्स्ट सेकेंड मानकर डेरिवेटिव कीजिए, तो माइनस थ्री आ गया। यहां पर e टू दी पावर सिक्स एक्स कॉन्स्टेंट मान लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम साइन थ्री एक्स का, और अगर हम साइन थ्री एक्स को कॉन्स्टेंट लेते हैं तो डेरिवेटिव करेंगे e टू दी पावर सिक्स एक्स के लिए प्लस सिक्स, यहां पर भी वही प्रोसेस होगा, e टू दी पावर सिक्स एक्स कॉन्स्टेंट तो डेरिवेटिव कर लीजिए कॉस थ्री एक्स के लिए प्लस, अगर कॉस थ्री एक्स लेते हैं तो डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, e टू दी पावर सिक्स एक्स का, e टू दी पावर सिक्स एक्स का। अब चलिए इसका डेरिवेटिव यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, या आ जाएगा माइनस थ्री e टू दी पावर सिक्स एक्स है, लिख दीजिए e टू दी पावर सिक्स एक्स एंड साइन थ्री एक्स का, दो बार डेरिवेटिव होगा, एक तो साइन का होगा दूसरी बार थ्री एक्स का होगा, तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस थ्री एक्स एंड थ्री एक्स का थ्री हो जाएगा, तो इसको लिख दीजिए कॉस थ्री एक्स इंटू थ्री प्लस, प्लस दूसरा क्या बचा, प्लस साइन थ्री एक्स एंड e टू दी पावर सिक्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, e टू दी पावर सिक्स एक्स इंटू सिक्स, ठीक है ना, प्लस प्लस दूसरा पार्ट हमारे पास, प्लस दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट मैं लिख देता हूं, प्लस ये लिखेंगे सिक्स सिक्स e टू दी पावर सिक्स एक्स एंड कॉस थ्री एक्स का डेरिवेटिव होगा, तो यहां लिखेंगे e टू दी पावर सिक्स एक्स कॉस थ्री एक्स का, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थ्री एक्स, सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थ्री एक्स, और थ्री एक्स का कितना होगा, थ्री एक्स का हो जाएगा इंटू थ्री प्लस कॉस थ्री एक्स एंड ई टू दी पावर सिक्स एक्स है, तो प्लस लिख दीजिए प्लस कॉस थ्री एक्स एंड ई टू दी पावर सिक्स एक्स का हो जाएगा ई टू दी पावर सिक्स एक्स इंटू सिक्स, तो ये जो टोटल होगा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस नाइन ई टू दी पावर सिक्स एक्स एंड कॉस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री इंटू सिक्स इज इक्वल टू माइनस एटीन ई टू दी पावर सिक्स एक्स एंड साइन थ्री एक्स प्लस, यहां देखिए सिक्स इंटू माइनस वाला पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एटीन ई टू दी पावर सिक्स एक्स एंड साइन थ्री एक्स, और 6 इंटू सिक्स इज इक्वल टू 36 e टू दी पावर 6x एंड cos ऑफ 3x। सॉल्व करते हैं, देखिए कॉमन कुछ होता है या कुछ कैंसिल होते हैं, देखिए e के पावर 6x cos 3x है और e के पावर 6x cos 3x है, तो इन दोनों को डिफरेंस कर लेते हैं बिकॉज एक माइनस है एक प्लस है, तो 36 माइनस नाइन, 36 माइनस नाइन कितना हो जाएगा 27 e टू दी पावर 6x एंड कॉस थ्री एक्स, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब प्लस बचा ये दोनों, ये कितना हो जाएंगे, दोनों माइनस में है तो ये हो जाएंगे माइनस 36 ई टू दी पावर 6x एंड साइन 3x, डबल डेरिवेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, सिंपल ही पार्ट बनते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए फिर दूसरी बार कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन, ये कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं इसके बाद दूसरा पार्ट लेकर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, आप एक बार इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर अब लेकर चलिए 8th है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव आप ध्यान से देखते जाइए, हर एक क्वेश्चन का डेरिवेटिव आप कर लीजिए, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार डेरिवेटिव में या पहली बार जब बुक पढ़िए तो उसमें सारे एग्जाम्पल और सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करते चलिए, ठीक है ना। जब दूसरी बार पढ़िएगा तो उस समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ओनली पढ़ते हैं, और जब तीसरी बार फाइनल एग्जामिनेशन रिवीजन करते हैं तो सैंपल पेपर से और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको देखकर एग्जाम दे देते हैं। तो जब भी पहली बार पढ़िए, जितना हो पाए आपको, जितने क्वेश्चंस हो पाए बार बार उसको कर लीजिए, एक बार कंप्लीट पूरा करिए, कोई एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चंस छूटे ना आपसे। पहले अगर छोड़ देंगे कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं है और बाद में इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो वो बाद के लिए हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम इसको मान लेते हैं लेट वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स।
ठीक है, टेन इनवर्स एक्स है। नाउ डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² याद होगा आपको, ठीक है ना। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 + x², जिसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x². ये देखिए है, इसकी पावर हमने -1 कर दिए ताकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गया गया। तो ये मान लीजिए पूरा x के पावर n, x के पावर n का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 1 + x² to the power -1 -1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 1 + x² का, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस वन है, माइनस लिख देते हैं इसको, और ये बचेगा 1 + x² के पावर -2, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 + x², 1 का डिफरेंशन कितना होगा 0, और x² का डिफरेंशन कितना होगा 2, एक्स हो जाएगा। तो ये जो टोटल आएगा, ये अगर नेगेटिव नेगेटिव पार्ट इसके पावर में माइनस लिखा है, इसको पॉजिटिव में लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये देखिए 2x बचा, तो लिख दीजिए -2x, और ये जो डिनोमिनेटर पार्ट में ले जाएंगे तो 1 + x² 1 + x² का होल स्क्वायर, विच इज द वैल्यू ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स टू आ जाएगा। डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू -2x/1 + x² आ गई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारे पास, एट्थ हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है लॉग ऑफ लॉग एक्स है, ये मैं पूरा रब कर देता हूं, जो कि आप लोग नोट कर लिए थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, 9 क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स है। हम इसको y इज इक्वल टू सपोज कर लिए, फंक्शन टू फंक्शन है, लॉग है उसके बाद फिर लॉग है, तो पहले इस लॉग का होगा, दूसरी बार इस लॉग का होगा। इस लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और इस लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा रेशियो, इसमें डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स ऑलरेडी ब्रैकेट है तो हम इसको हटा देते हैं। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1/log x हो जाएगा, है नहीं होता है ना। इस लॉग का करेंगे तो इसको साइलेंट मान लेंगे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन एक्स तो है नहीं जिसको हम साइलेंट माने, वो लॉग एक्स है, तो इसलिए 1/log x हो जाएगा। अब हम इसका तो कर दिए 1/log x, अब इसका बाकी रह जाएगा, तो इसको लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/log x, एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। तो आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x log x। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव किया जाए इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x and log x, ठीक है। तो यह आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स लॉग एक्स को आप न्यूमिनेटर में ले जाइए तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, न्यूमिनेटर फॉर्म में ले जाइए, बिकॉज डिनोमिनेटर में डिवाइड नहीं हो पाती है। डिवीजन रूल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं और डिवीजन रूल से करना चाह रहे हैं, बिकॉज मैंने यहाँ कर दिया था, डिवीजन रूल नहीं लगाया था, तो ऐसे चाहें तो इसको कर सकते हैं, अदरवाइज एक्स लॉग एक्स को डिवीजन रूल से भी कर लीजिए। चलिए उससे कर देते हैं ये क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा एक्स लॉग एक्स डेरिवेटिव आप 1 का करेंगे -1, एंड डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, एंड डेरिवेटिव अपॉन कितना होगा 0 हो जाएगा, तो ये तो टोटल हो गया 0 माइनस, इसमें क्या लग जाएगा, यहां पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, मतलब एक्स कॉमन लेंगे तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा किसका, लॉग एक्स का, और लॉग एक्स कॉन्स्टेंट लेते हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स का, और टोटल जो डिनोमिनेटर आएगा वो आ जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए फिर लिखते हैं इसको, ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो गया, यहां कितना बचेगा माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स कितना आ गया
वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स बच गया और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स कितना होगा, वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स वाले पार्ट को एक्स से कैंसिल कर दीजिए, एक्स टू एक्स कैंसिल हो गया तो बच गया माइनस वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ डी टू आई बाई डी एक्स टू है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए, क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है, आप ध्यान दीजिएगा एक बार ट्राई करके। ठीक है ना, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। अब इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल में क्वेश्चन होगा या जो भी क्वेश्चन बाकी है जो इस तरह से क्वेश्चन है उसको ट्राई कीजिए। अगले वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से।